स्टार्ट है पढ़ा। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है वॉइस। क्या है वॉइस? तो देखते हैं कि ये वॉइस होते क्या हैं और वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। अगर कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वॉइस, टू टाइप्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड पैसिव वॉइस। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला जो होता है वो जो होता है एक्टिव वॉइस, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव, हम लोग जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, एक्टिव से जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये किस प्रकार से बनाते हैं? तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एक्टिव से पैसिव जब बनेगा, जब हम लोगों के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना पॉसिबल होगा, सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट हो और इसके बाद वर्ब। हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो वर्ब होती है ऑलवेज यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को। जैसी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो थर्ड फॉर्म के बाद हम लोग लगाते हैं बाई। क्या लगाते हैं? बाई। अब ये बेस आ गया, अब लोग देखते हैं चेंज टू टेंस। हम लोग परिवर्तन करते हैं, अब क्या है परिवर्तन, उसके लिए देखते हैं कि जो टेंस के लिए होते हैं, अगर तुम्हारा एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए होगा देन चेंज कर देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। देखते हैं कैसे पहचान करेंगे। देखते हैं एमवी जो होती है उसमें या तो एस या एएस होगा। एस या एएस अगर हम लोग नहीं पहचान कर पा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब कहीं कहीं लगी होगी। अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा डू और डज। हम लोग समझ जाएंगे कि प्रेजेंट डेफिनिट है। हम लोग चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है उसके लिए हम लोग चेंज कैसे करेंगे, उसके लिए देखते हैं कि अगर ये तुम्हारा है तो उसके लिए हम लोग देखते हैं चेंज करते हैं इज, एम और आर पे। कौन कौन से? इज, एम और आर। अब हम लोग देखते हैं इज का प्रयोग कहां पे करते हैं, एम का प्रयोग कहां पे करते हैं और आर का प्रयोग कहां पे करते हैं। तो यूज अगर हम लोग इज का देखते हैं प्रयोग, तो इसके लिए देखते हैं इसकी उसके लिए हम लोग देखते हैं कि अगर ही सी इट या किसी का भी नाम हो, यूज ऑफ इज का प्रयोग करते हैं। अगर एम के लिए होगा ओनली आई, आर के लिए होगा वी यू दे, वहां पर हम लोग यूज करते हैं इज एम आर, इनको हम लोग अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं। तो देखते हैं इज के लिए क्या बताया, ही सीट या किसी का भी नाम होगा तो हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, और जब आई के लिए होता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब वहां पे हम लोग एम लगाते हैं, आर के लिए होता है तो वहां पे सब्जेक्ट के लिए देखते हैं क्लियर होना चाहिए कि वहां पे वी यू या फिर देखते हैं दे होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें, ही टीच मी, क्या लिखा हुआ है? ही टीच मी। हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे कि ये जो टेंस है ये कौन सा टेंस है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेंस, जो टेंस है ये टेंस का क्या नाम है। तो देन हम लोग देखते हैं कि टेंस क्या है, तो देखते हैं या तुम बताए थे एमवी पे क्या था, मुख्य क्रिया पे देखते हैं कि मुख्य क्रिया में या तो एस होगा या फिर एस होगा, एस या एस से देखते हैं या एस या एस नहीं होगा तो हेल्पिंग वर्ब पे देखते हैं डू और डज होगा। इनमें से देखिए कोई एक, तो इसमें देखो मेन वर्ब पे लगा हुआ है एस, तो हम लोग रिकॉग्नाइज किए कि ये जो एस लगा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, देन चेंज कर देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। जो टेंस चेंज हो जाएगा पैसिव के लिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे चेंज होगा। अब कैसे हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज तो हो गया, लेकिन किस प्रकार से हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे? तो हम लोग
क्या करते हैं, सबसे पहले जो तुम्हारा रूल होगा, तो जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट एज आ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट मीन्स जो भी करता होगा, तो कर्ता को हम लोग कर्म के रूप में बनाते हैं, क्या करते हैं, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट, क्या करते हैं, सब्जेक्ट, मीन्स सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। जब ये हो गया तो हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की बात क्या देखते हैं, मेन वर्ब। अब ये जो मेन वर्ब होता है तो वो वर्ब जो होगा कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। इसकी बात क्या देखते हैं, वर्ब की जब थर्ड फॉर्म हो गई देन हम लोग बाय करते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ था, तो सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या कर देंगे, यहां पे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। मतलब दोनों के हम लोग स्थानों को आपस में हम लोग क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या बताया, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट मीन सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट से। और जब हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं, हेल्पिंग का मतलब अगर प्रेजेंट डेफिनिट पे है तो देन चेंज कर दे कंटिन्यूअस पे, अगर यहाँ पे डूडज लगा होगा तो हम लोग इज एम आर में से किसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जो वर्ब होगा तो बताए थे ऑलवेज यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देन अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो ऑब्जेक्ट को हमको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट क्या बनाना है, सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल की हमने बताया ही टीच्स मी, क्या बताया, ही टीच्स मी, ही का मतलब क्या होता है, वह। अब वह कौन है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं ये वह है कौन, मेल है फीमेल है, तो यहां पर देखते हैं ही जो है मेल के लिए आया या फीमेल के लिए आया है, तो वहां पर देखते हैं ही जो यूज हुआ है तो ही किसके लिए, मेल के लिए। अब ही का मतलब हुआ वह, अब टीच मीन्स पढ़ाता है, अब वह पढ़ाता है तो वह लेकिन किसको पढ़ाता है, तो मी का मतलब होता है मुझे, किसको, मुझे, तो वह मुझे क्या करता है, पढ़ाता है। देन हम लोग चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हम लोग देखते हैं जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट में। हमने बताया ना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो देखते हैं अब हम लोग ही को अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मी को अगर हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके लिए कुछ चेंज करते हैं, वो चेंज हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। अगर ही आ गया हम लोग चेंज करते हैं, अगर ही हो गया तो हम लोग जब चेंज करेंगे तो ही को लिख देंगे हिम पे, अगर सी होगा तो सी को लिख देते हैं हर पे, अगर आई होगा आई को कर देते हैं मी पे, ठीक है। ही के लिए हमने बताया जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसके लिए ही के लिए हम लोग क्या करते हैं हिम का प्रयोग करते हैं, सी को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो सी के लिए क्या हो जाएगा हर हो जाएगा, आई हो जाएगा तो आई के लिए क्या करते हैं मी करते हैं, अगर वी हो जाएगा तो वी के लिए हम लोग क्या करते हैं अस, अगर दे हो जाएगा तो दे के लिए हम लोग क्या करते हैं देम, यू होगा तो यू को नो चेंज करते हैं, अगर यू है तो यू को हम लोग यू रखते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया ही को चेंज कर देते हैं हिम पे, ही को किसमें चेंज करते हैं हिम पे, और सी को जो चेंज करते हैं सी को चेंज करते हैं हर के लिए, और देखते हैं आई, आई के लिए हम लोग ने हमने बताया कि आई जो चेंज करते हैं तो आई के लिए हमने बताया कि जो आई होता है आई के लिए हम लोग मी के लिए, और जो वी होता है क्या वी, तो वी के हम लोग एस, और दे के लिए हम लोग देम, यू जो होता है यू को हम लोग नो चेंज करते हैं, क्या करते हैं यू के लिए नो चेंज, ठीक है। अब हम लोग जब ये देखते हैं कि जब ये हो गए तो हम लोग किस प्रकार से पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव के लिए हम लोग देखते हैं, तो हमने बताया कि जब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बनाने क्या है ऑब्जेक्ट, अब आया हुआ है ही और ही को चेंज कर देना है हिम पे, अब इसमें लिखा हुआ है मी तो मी चेंज हो जाता है, जब सब्जेक्ट लाएंगे तो मी को चेंज कर देंगे हम लोग आई पे, किसमें चेंज करेंगे आई पे। देन देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, तो मी है तो मी को जब हम लोग आगे करेंगे तो मी चेंज हो जाएगा तुम्हारे आई पे, आई के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी कैन ज्वाइन हेल्पिंग वर्ब, मीन्स हम लोग हेल्पिंग वर्ब के अनुसार हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। सब्जेक्ट इसमें अब हमने क्या बनाया आई बनाया, समझ आ रहा है आई बनाया। आई के बाद हम लोग देखते हैं कि इज होगा एम होगा या फिर क्या होगा आर होगा, तो देखते हैं आई के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई है एम, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे आई एम।
आप देखते हैं जो वर्ब होती है, देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए, ये कर दी, अब क्या आया वर्ब। अब जो वर्ब होती है तो वर्ब के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म ऑलवेज यूज वाली, थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं टीच जो होता है, टीच मींस होता है पढ़ाना, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म इसकी टॉट होता है, और थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, क्या टॉट। थर्ड फॉर्म भी इसका क्या होता है, टॉट। तो आई एम, अब टीच का जो थर्ड फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा टॉट। थर्ड फॉर्म के बाद हमने बताया किसका प्रयोग करते हैं, बाय का। किसका प्रयोग करते हैं, बाय। तो वहां पर हमने क्या बताया, वहां पर लिख दिया बाय। अब बाय की बात देखते हैं कि सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ना, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग चेंज कर देंगे, और ऑब्जेक्ट को चेंज करके हम लोग लिख देते हैं सब्जेक्ट पे, क्या करेंगे। तो अब देखते हैं यहां पर ही को जब हम लोग ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, दोनों को हम लोग इंटरचेंज करते हैं। तो ही के लिए हमने हिम बताया था, सी के लिए हमने हर बताया था, आई के लिए मी बताया था, वी के लिए अस बताया था, दे के लिए देन बताया था, और यू के लिए हमने क्या बताया था। तो हम लोग देखते हैं ही का जो होगा, तो ही को हम लोग क्या लिखेंगे, हिम। तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। अब देखते हैं हम लोग ये लिखा हुआ, ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाता है, वह मुझे पढ़ाता है, समझ रहे हैं, वह मुझे क्या करता है, पढ़ाता है। अब देखो लिखा आई एम टॉट, आई एम टॉट मतलब मुझे पढ़ाया जा रहा है। अब बाय हिम, अब किसके द्वारा, उसके द्वारा, मतलब मुझे उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि अब इसको, ये जो तुम्हारा तैयार हुआ, तो इसको जो हम लोग नाम देते हैं, ये हुआ तुम्हारा एक्टिव। अब इसको हम लोग क्या किए, एक्टिव से हम लोग क्या बनाया, ये बन गया तुम्हारा पैसिव, समझ रहा है। फिर से देखिए वॉइस क्या होते हैं, तो वॉइस के लिए हमने बताया था कि इसको हम लोग हिंदी के लिए देखते हैं, तो वॉइस को हम लोग हिंदी में देखते हैं, वाच होते हैं, क्या होते हैं, वाच। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले के लिए देखते हैं एक्टिव, कौन सा, एक्टिव वॉइस, देन दूसरे के लिए जो होता है वो होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव को हम लोग बोल भी सकते हैं, वो ये होता है कर्तवाच, क्या होता है, कर्तवाच। और पैसिव के लिए जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम लोग कर्मवाच, क्या बोलते हैं, कर्मवाच, ठीक है। एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया। अब हम लोग एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं, तो हमने बताया था उसके लिए हम लोग टेंस पे देखते हैं। टेंस क्या होते हैं, कि अगर तुम्हारा टेंस प्रेजेंट डेफिनिट होगा, क्या प्रेजेंट डेफिनिट होगा, तो प्रेजेंट डेफिनिट को चेंज कर देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। अब देखते हैं प्रेजेंट डेफिनिट को किस प्रकार से हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, तो देखते हैं मेन वर्ब जो होता है उस पे एस होगा या एस होगा, या फिर फर्स्ट फॉर्म से भी देखते हैं, या फिर देखते हैं हेल्पिंग वर्ब पे अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो वहां पर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी डू और डज, तो हम लोग समझ जाएंगे प्रेजेंट डेफिनिट है। प्रेजेंट डेफिनिट को हम लोग चेंज कर देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, इज एम और आर पे। इसमें से देखते हैं इज का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं, तो इज जो होता है ही सीट या किसी के नाम के लिए, एम जो होता है आई के लिए, आर जो होता है वो किसके लिए, वी के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने देखो बोले थे कि क्या लिखा हुआ है, ही टीच मी, क्या लिखा है, ही मीन्स वह, और टीच मीन्स पढ़ाता है, और मी मीन्स किसे, मुझे, समझ रहे हैं। तो वह मुझे पढ़ाता है, तो हम लोग जब इसका पैसिव बनाएंगे क्या करेंगे, पैसिव। तो पैसिव के लिए हमने बताया ना कि सब्जेक्ट को, देखो ये रूल लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को हम लोग क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा उसको चेंज कर देते हैं हम लोग सब्जेक्ट पे, समझ रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या किए, ये जो ही है तो ही को चेंज कर देते हैं हिम पे, तो जो उस पे पार्ट पे चेंज करेंगे, तो मी को हम लोग किसमें चेंज करेंगे, आई पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, आई कर दिए ना। अब आई की है, आई के अकॉर्डिंग हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं, तो इस पे आई है, अब सब्जेक्ट इस पे आई है, तो हम लोग आई के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। एम के बाद देखते हैं जो वर्ब होती है, वर्ब कौन से प्रयोग करते हैं हम लोगों से, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर देखते हैं हम लोग थर्ड फॉर्म क्या है, टीच होता है फर्स्ट फॉर्म, टॉट होता है सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, टॉट। तो हम लोग क्या कर दिए, टॉट कर दिए। थर्ड फॉर्म के बाद हम लोग प्रयोग करते हैं बाय के लिए, तो बाय कर दिए। अब देखते हैं क्या है, ही को हम लोग चेंज किसमें करते हैं, तो ही को चेंज कर देंगे हम लोग हिम पे, किसमें चेंज करेंगे, हिम पे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट डेफिनिट के लिए है। अब हम लोग देखते हैं अगर इसी पे निगेटिव होगा तो उसका हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे,
अगर नेगेटिव आ गया, अगर किसी ने पूछा फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, जैसे लिखा हुआ है ही डज नॉट टीच मी। अब इसके लिए अगर पैसिव बनाने कैसे बनाएंगे, क्या लिखा हुआ है ही डज नॉट टीच मी, वह मुझे नहीं पढ़ाता है, वह मुझे नहीं पढ़ाता है। तो उसके लिए हम लोग जब पैसिव देखते हैं तो हम लोग पहले देखेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे कि जो टेंस है ये कौन सा टेंस है। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि हमने बताया था कि उसके लिए हम लोग देखते हैं या तो फिर क्या होता है एस या एस होता है या फिर डू या डज होता है। तो देखते हैं डज है, अब इंडेफिनिट तो है लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस कौन सा है, तो वहां पर हम लोग देखो ये क्या लिखा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे कैसे सेंटेंस है, निगेटिव है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम लोग चेंज कर देते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, सेम नियम वही होगा, ही को हम लोग क्या कर देते हैं, ही को हम लोग क्या करेंगे, देखो ये ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को हम लोग क्या कर देते हैं ऑब्जेक्ट पे ले जाते हैं, और जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, मी है तो मी को देखो, मी को जब हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाता है, ये मी के लिए जो सब्जेक्ट आया हुआ है, देखो ये मी ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है, अब इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाना है, इसको क्या बनाना है, मतलब मी पीछे है मी को आगे लाना है, मी पीछे है मी को आगे लाना है। तो आगे लाने के लिए हम लोग क्या किसका लिखेंगे वहां पर, आए, क्या करेंगे आई, समझ पा रहे हैं। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि मी को हम लोग चेंज करके हम लोग लिखते हैं आई, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी कैन ज्वाइन हेल्पिंग वर्ब, हम लोग वहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार, तो वहां पर आई है तो आई के अनुसार हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वहां पे एम हो जाएगा। सेंटेंस तुम्हारा जो है, ये सेंटेंस तुम्हारा है कैसा, निगेटिव, क्या है निगेटिव। तो वहां पर तुमको भी क्या करना है, नॉट लगाना है। इसके बाद जो वर्ब थी टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाट, थर्ड फॉर्म की बात क्या लगाते हैं बाय, अब बाय के बाद क्या बचा हुआ, ही को चेंज कर देते हैं हम लोग हिम पे, समझे। देखें फिर से क्या लिखा हुआ, ही डज नॉट टीच मी, क्या लिखा है, ही डज नॉट टीच मी, वह मुझे नहीं पढ़ाता, निषेध, नकारात्मक। तो वहां पर हम लोग देखते हैं वह मुझे नहीं पढ़ाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले कि ये देखो हेल्पिंग वर्ब है, डज हेल्पिंग वर्ब है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज कर देते हैं कंटिन्यूअस पे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मी है तो मी को कर देंगे आई के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, यहां पर कर दिए एम, क्या लिख दिए एम, और इसके बाद सेंटेंस निगेटिव था, नॉट कर दिए। टीच का थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है टॉट, थर्ड फॉर्म के बाद बाय का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद क्या हो गया हिम, ये हो गया निगेटिव। अब हमको अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हम लोग इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं, देखते हैं, समझ पा रहे हैं, ये क्या हो गया, सिंपल हो गया, निगेटिव हो गया। अगर हम लोग इंट्रोगेटिव की बात करें, किसकी, अगर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो उस पर हमको कुछ नहीं करना है। जैसे लिखा हुआ है डज ही टीच मी, क्या लिखा हुआ है, डज ही टीच मी। देखते हैं जब डू या डज अर्थात हेल्पिंग वर्ब अगर लगी होगी तो हेल्पिंग वर्ब पे हम लोग देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पर हम लोग क्या देखते हैं कि डज ही टीच मी जो लिखा हुआ है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, डज ही टीच मी। अब देखते हैं वहां पर अगर डज लगा हुआ है अर्थात हेल्पिंग वर्ब है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई बता सकता है, वहां पर देखते हैं जो मेन वर्ब होगा तो उसमें हम लोग नो यूज एस और एस, हम लोग ऐसे इसका प्रयोग नहीं करते हैं। फिर इसके लिए हम लोग को जो पैसिव बनाना होगा तो अगर देखते हैं कि किसी भी टेंस की अगर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगी हुई है तो हमको चेंज कर देना इस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, और हमको ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसी के अनुसार सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसी के अनुसार ही लगाते हैं, ठीक है। तो हमको देखना है मी के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, आई लगाएंगे, सॉरी मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर देते हैं आई पे, और आई के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है क्या होता है एम। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रयोग करेंगे वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे एम लिखेंगे, मी को जब हम लोग आगे लाते हैं तो क्या करते हैं आई करते हैं, टीच को जो थर्ड फॉर्म होता है क्या लिखते हैं टॉट लिखते हैं, थर्ड फॉर्म के बाद क्या करते हैं हम लोग वहां पर बाय का प्रयोग करते हैं, और बाय के लिए हम लोग क्या करते हैं ये जो ही है ही को चेंज कर देते हैं हम लोग
हिम पे लास्ट पे क्या लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्या समझे। तो ये हो गया इंटरोगेटिव। अब एक और देख लो, उसके लिए बताए थे ये सिंपल हो गया, निगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। एक बार फिर से देखिए कि अगर कोई पूछे, अगर कोई पूछे कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस, क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस, क्या बोलते हैं, पहला जो होगा उसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस, और दूसरा जो होगा उसके लिए हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस। पहला हुआ एक्टिव, देन हम लोग एक्टिव के बाद जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं पैसिव, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक्टिव को हम लोग कर्तृवाच्य बोलते हैं, इसको हम लोग कर्मवाच्य बोलते हैं, हम लोग चेंज करते हैं, टेंस के अनुसार चेंज करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट होगा तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। अब अगर देखते हैं कि अगर तुम्हारा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ये टेंस तुम्हारा जो है अगर क्या हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आ गया, प्रेजेंटम कंटिन्यूअस उस पर देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है कितनी होती है, तीन, इज, एम और आर, ठीक है, इज, एम और क्या होता है आर। तो देखते हैं हम लोग इज का प्रयोग कहां पे करते हैं, एम का प्रयोग कहां पे करते हैं और आर का प्रयोग कहां पे करते हैं। तो इसके लिए बताए थे ही सी इट, किसी के नाम के लिए हमने इज बताया था, ही सी इट, या किसी के नाम के लिए हमने क्या बताया था, इज बताया था। आई के लिए हम लोग क्या बताए थे, एम। आर के लिए बताए थे वी, यू, या फिर क्या बताया था, दे, ठीक है। अब हम लोग जब ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग अब चेंज किस में करेंगे, तो देखते हैं कि अगर प्रेजेंट तुम्हारा कंटिन्यूअस है, देखो कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मींस बोल सकते हैं अगर कहीं पे हेल्पिंग वर्ब तुम्हारी इज, एम और आर हो गई, अब उसको हम लोग पैसिव बनाना है, क्या करना है, पैसिव, कुछ नहीं करना है, कोई इंटरफेयर नहीं, केवल हम लोग उसके साथ केवल क्या जोड़ देते हैं, बीइंग प्लस जो वर्ब होगी थर्ड फॉर्म प्लस क्या करते हैं बाय, बाय के बाद वही पुराना रूल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मीन्स दोनों को हम लोग इंटरचेंज करते रहते हैं, क्या करते हैं इनको इंटरचेंज। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बोले हैं तो उसके लिए क्या बताए थे, उसके लिए हमने बताया जैसे आई एम टीचिंग यू, क्या लिखा हुआ है, आई एम टीचिंग यू, हम लोग क्या कर लिखेंगे, यू हमने बताया था इसको चाहे सब्जेक्ट बनाइए या फिर ऑब्जेक्ट बनाइए, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करते, यू को अगर ही होगा हिम कर देंगे, सी होगा हर कर देंगे, आई होगा मी कर देंगे, वी होगा एस कर देंगे, और दे होगा दे को हम लोग क्या लिख देते हैं, देम के लिए, लेकिन यू नो चेंज, यू को कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हम लोग देखते लिखा आई एम टीचिंग यू, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यू को हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, नो चेंज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी कैन जॉइन हेल्पिंग वर्ब। तो देखते हैं हम लोग क्या है, वी यू दे आता है, हम लोग क्या लिखते हैं आर लिखते हैं, तो वहां पर क्या लिख देंगे आर, इसके बाद जोड़ते क्या है, बिंग जोड़ते हैं, बिंग जोड़ देंगे, इसके बाद जो टीच का थर्ड फॉर्म होता है उसको टॉट लिखते हैं, थर्ड फॉर्म के बाद किसका प्रयोग करते हैं बाय का, बाय के बाद क्या लिखा हुआ है देखते हैं आई है, आई को चेंज कर देते हैं वी पे, ठीक है। अब देखते हैं जब निगेटिव बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग करते हैं, अगर इंटरोगेटिव के लिए बनाना होगा तो सेम वही पैटर्न हो जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट पे क्या होता है, कुछ नहीं, देखते हैं भाई कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैज और हैव, इनके साथ खुद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी रहती है, ठीक है। तो कहीं पर तुम्हें हैज या फिर हैव मिल जाए, क्या मिले, हैज या फिर हैव मिले, तो वहां पर जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो हम लोग केवल क्या करेंगे, बीन, बाकी वही जो वर्ब होगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस बाय जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट हो, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल की लेकर हम लोग बात करें तो उसके लिए हम लोग देखते हैं जैसे लिखा हुआ है शिवांगी हैज वॉश्ड हर क्लॉथ्स, ठीक है। तो हमको क्या समझ में आ रहा है,
कि जो हैज आया हुआ है, देखो हमने क्या बताया था कि अगर हैज आ रहा है या हैव आ रहा है तो हम लोग उस पर चेंज कर देते हैं, केवल बिन लगाते हैं, क्या लगाते हैं? देखो लेकिन शिवांगी मीन शिवांगी हैज ये जो हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, वॉश मीन्स क्या हुई धुल चुकी, और किसके हर का मतलब होता है शिवांगी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाते हैं हर, तो वहां पर क्या ये चुकी है फीमेल है, ठीक है, तो वहां पर लगाते हैं हर क्लास मीन्स शिवांगी जो है अपने कपड़े क्या कर चुकी है धुल चुकी है, शिवांगी ने अपने कपड़े क्या कर लिए धो लिए, तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं शिवांगी ने अपने कपड़े धो लिए, उसको हम लोग जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए हमने बताया था कुछ नहीं करते हैं केवल बिल का प्रयोग करते हैं, बाकी वही होगा हर क्लास अभी ऑब्जेक्ट था तो इसको बना देंगे सब्जेक्ट हो, तो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे लिखेंगे हर क्लॉथ्स, क्या लिखेंगे हर क्लॉथ्स, अब ये प्लूरल है तो वहां पर यूज हो जाएगा हैव, अब जोड़ते क्या है बीन, अब इसकी बात क्या हुआ वॉश्ड, थर्ड फॉर्म की बात क्या लगाते हैं बाय, और बाय के बाद हम लोग क्या देखते हैं शिवांगी, ठीक है हो गया, तो देखते हैं अब क्या हुआ ये एक्टिव हो गया और ये क्या हो गया पैसिव, शिवांगी अपने कपड़े धुलती है तो ये गड़बड़ हो जाएगा, या शिवांगी अपने कपड़े धुल रही है ये भी गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो है जाया ये है क्या, तो हैज हैव ये क्या होते हैं बीते के लिए, हम लोग देखते हैं ये जो क्या है कपड़े अभी कार्य प्रेजेंट के लिए है लेकिन ये क्या धुल चुकी, तो वहां पर हम लोग देखते हैं शिवांगी ने अपने कपड़े क्या कर लिया धो लिया, अब उसके कपड़े हर क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड, उसके कपड़े किसके द्वारा धुले जा रहे हैं शिवांगी के द्वारा धुले जा रहे हैं, तो यहां भी कार्य वही कर रहे हैं और यहां पर भी कार्य वही कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो गया इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वो और इसको बोलते हैं पैसिव, अब अगर कोई पूछे एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे तो कैसे चेंज करेंगे समझ जाओगे ना, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए अच्छा किसके किसके एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, तो हमने बताया कि प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है, किसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है, दूसरा क्या बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनता है, तीसरा क्या बताया प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है, ठीक है लेकिन प्रेजेंट ऑफ परफेक्ट ऑफ कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, ठीक, तो प्रेजेंट के जो चार पार्ट होते हैं प्रेजेंट डेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा जो होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट ऑफ कंटिन्यूअस, तो उस पर पैसिव जो बनाते हैं प्रेजेंट डेफिनिट की बनाते हैं प्रेजेंट डेफिनिट का पैसिव बनता है, प्रेजेंट डेफिनिट के बाद हम लोग क्या कर देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, ठीक है तो इसके लिए देखते हैं, ठीक इसके लिए कोई दिक्कत हो रही है किसी को तो वहां पर हम लोग देखेंगे वाइस इसको रिवाइज करके आएंगे, कल तुम लोगों के लिए एक्सरसाइज मिलेगी, ठीक है जो भी अगर होगा तो कमेंट बॉक्स के लिए अपने इस पर देखेंगे, थैंक यू। Oh, yeah.